In 2003, radical Islamist terrorists identified, lined up and killed 24 Kashmiri Pandits in Nandimarg in cold blood. Among those killed were 11 men, 11 women and 2 children, one child as young as 2 years old. Almost 20 years later, the Jammu and Kashmir High Court has ordered the case be investigated afresh. For the only survivor of the Nandimarg massacre, this provides a ray of hope. India Today's Sunil Ji Bhatt spoke to Mohanlal Bhatt. His father, mother, sister and uncle were killed. He managed to hide in a shed. We bring you this spine-chilling India Today exclusive report. कोई 10:30 का टाइम था, तो सोने की तैयारी हो रही थी. अब तो हम सो गए थे, तो जैसे थोड़ा कोई 15-20 मिनट हुए थे सोए हुए, तो बाहर से कुछ आवाज़ आई, जैसे तोड़फोड़ की आवाज़ आई, खिड़कियां बंद करने की ऐसे ज़ोर से आवाज़ आई. तो मैंने मम्मी, हम मेरे पास ही सोए थे, मैंने उनको बोला कुछ आवाज़ें आ रही थी बाहर से. तो उन्होंने बोला नहीं आवाज़ नहीं, कोई खिड़की बंद कर रहा होगा. मैंने बोला नहीं कुछ मम्मी कुछ गड़बड़ है बाहर, तो हम एक काम करते हैं आप उठो तो देखते हैं क्या होगा. तो मैंने मम्मी को उठाया, दीदी भी साइड में सोए थे उनको भी उठाया, इतनी देर में पापा को भी उठाया, वो नीचे वाले कमरे में सोए थे. इतनी देर में हमने क्या देखा कि जैसे मैंने आधा ही बाहर का जो मेन डोर था वो खोला, तो बाहर आर्मी यूनिफॉर्म में दो मतलब साइड में थे, वो दिखे नहीं पूरे हमें. आतंकवादी जो है सेना की वर्दी में पहनकर आए में थे. उस टाइम मेरी मम्मा की आवाज आई, उन्होंने उनको हिंदी में बोला कि हमारे पास जो भी होगा हम दे देंगे लेकिन हमें छोड़ दो. तो वहां से एक आतंकवादी बोलता है कोई बात नहीं आपको अभी चुप करा देंगे. ये उनकी आवाज मैंने लास्ट टाइम सुनी थी, अपनी मम्मी की आवाज लास्ट टाइम सुनी थी. तो इतनी देर में क्या हुआ, सेम उनका ये बोलना कि आपको अभी चुप करा देंगे, इतनी देर में एक कैमरा की जैसे फ्लैशलाइट होती है वो पता नहीं वो सिग्नल था गोलियां बरसाने का क्या था, वो फ्लैशलाइट ऑन हुई तो फायर हो गई स्टार्ट. फिर किसी की आवाज नहीं, खाली गोलियों की आवाज सुनाई दी मुझे, गोलियों की आवाज सुनाई की आवाज सुनाई दी मुझे. तो इतनी देर में एक छोटा सा बच्चा जो उस उधर भी था जिनकी किलिंग हुई थी, उनमें से एक बच्चा रोया. तो एक मिलिटेंट ने कश्मीरी में बोला ये महाशु जिंदा इन पे और फायरिंग करो. अच्छा, मतलब आतंकवादी ने कहा, 2 साल का बच्चा जो दो साल का बच्चा रोने लगा, तो एक स्थानीय आतंकवादी ने कश्मीरी में कहा कि ये बच्चा अभी 2 वर्ष का बच्चा जिंदा है, इस पर दोबारा गोली मार, ये जिंदा है अभी. उन्होंने बोला नहीं बच्चा नहीं बोला, उन्होंने बोला ये अभी जिंदा है और फायरिंग करो. कौन जिंदा है? यही मतलब जिन पे उन्होंने गोलियां चलाई थी, इनसे कोई जिंदा है गोली दो फायर करो. तो जाते जाते उन्होंने फिर कितने और फायर किए हैं तो वो भी मैं बता नहीं सकता. जैसे मैं चिल्लाया बैटरी की लाइट नीचे गिरी तो नीचे सारे आपको शव दिखे, सारे पड़े हुए थे. मतलब कोई मूवमेंट नहीं थी, कुछ नहीं थी, सिर्फ खून ही खून था चारों तरफ. तो मैं दीदी और मम्मी को ढूंढने लगा. फिर वहां पे जो गवर्नमेंट का रवैया रहा हमारे लिए, जो उस टाइम ये मुफ्ती मोहम्मद सईद उनकी सरकार थी, पीडीपी की सरकार थी, उन्होंने बड़ी कोशिश की थी हमें वहां रोकने के लिए. मतलब आपको, आप चाहते थे जम्मू वापस, अब जम्मू भागकर चले जाएं, वहां पर आपको खतरा लग रहा था ही नहीं, वहां पे सब कुछ खत्म हो चुका, बचा तो कुछ नहीं था, परिवार के परिवार खत्म कर दिए, जिनके जिनके साथ घर था वो तो रहे नहीं, खाली मकान रहा था वहां पे. तो अब हमने सोचा था कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम बाहर ही बैठते थे. उन्होंने ऐसा एक प्रोपोगंडा वहां पे किया, पूरी जो विलेज है उस पे तारबंदी कर दी, किसी को बाहर जाने नहीं. किसने किया? उस टाइम की पीडीपी सरकार ने ना बाहर जाने दिया किसी को, ना अंदर आने दिया किसी को. एक आशा की किरण आपको लग रही है कि न्याय मिलेगा अब, जिस हिसाब से अब मतलब गवर्नमेंट स्टेप उठा रही है, सख्त कदम उठा रही है, इन मतलब जो मैसेकर्स हुए थे, जो कल्प्रिट पाए गए हैं, जो दोषी पाए गए उनके खिलाफ जो उनको मिल रही है सजाएं मिल रही है, तो उस हिसाब से अब एक उम्मीद, एक किरण थोड़ी सी जाग गई है, नहीं शायद हमारे साथ भी जस्टिस होगा शायद.